एक कॉमन क्वेरी जो हर साल अराइज होती है बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स इज कि क्या इनफ टाइम है हमारे पास टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. यहाँ हम बात कर रहे हैं DU LLB एग्जामिनेशन की. सो बेसिकली पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, हु वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दे वांट टू नो वेदर देयर इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. विल टॉक अबाउट दिस इशू. हाय गाइज, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. सो एज यू ऑल नो कि जो DU LLB का एग्जामिनेशन है वो मोस्टली जून या जुलाई में कंडक्ट होता है. नाउ सिंस वी आर सीइंग दैट कोविड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, कॉलेजेस स्कूल्स आर ओपनिंग अप, सो लेट अस एक्सपेक्ट कि एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन नहीं होगा. जून जुलाई की हम डेट्स लेके चलेंगे बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर इन एडवांस. क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम पहले प्रिपेयर्ड हो रादर देन हम सोचे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए एंड लेटर वी हरी अप. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है जहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है. There's a video of mine called How to Prepare for DU LLB 2022 wherein you will get all the guidance as to how to prepare for this examination. इस वीडियो में हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे. आई विल टेल यू इन ब्रीफ दैट हाउ टू गो अबाउट दिस एग्जामिनेशन. सबसे पहला क्वेश्चन यही एड्रेस करना चाहती हूँ मैं, दैट वेदर देयर इज इनफ टाइम फॉर प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन. नाउ एज वी सी की एग्जामिनेशन जून जुलाई में अगर होता है, वी हैव 4 months इन हैंड. हमारे पास 4 महीने हैं. अब इन 4 महीनों में हम बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट यू नो, आई वोंट से कि बहुत लेट हो गया है प्रेपरेशन में या बहुत ज़्यादा जल्दी है. ऑप्टिमम टाइम हमारे पास अवेलेबल है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. 4 महीने का अगर टाइम है तो हम 3 months वी कैन सिंपली गिव टू लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, getting to know the whole syllabus, getting the conceptual clarity. ये सब चीज़ें हम इन 3 months में कर सकते हैं. and then 1 month we can keep for our revision through mock tests and आपके अपने प्रैक्टिस टेस्ट जो आप देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो 1 महीना आप रख सकते हैं. ऑब्वियसली क्वेश्चंस आपको साथ साथ भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहने चाहिए. वो कैसे करना है अभी हम बात करते हैं. स्टार्ट करते हैं विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सिलेबस है DU LLB एग्जामिनेशन का, ये हमको क्लियर है. 5 sections में ये सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है. देयर आर 5 sections: लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, GK, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग. Now these are the broad 5 sections that we have to study from. Individual इनमें क्या topics prepare करने हैं? What are the individual topics under these that need to be prepared? I have already covered in my video of DU LLB syllabus. ये जो DU LLB syllabus का video है, syllabus same ही है, कोई changes नहीं है. Only what changes is the current affairs, the legal current affairs जो 21 से लेके 22 तक हो गया है. So that is the only change. On the whole, the syllabus stays the same. The topics are the same. So you need to study all the topics that I have given in the video of my DU LLB syllabus. If you haven't seen that video, वो video जाके देख लीजिए. Syllabus आपको एक बार clear हो जाएगा. जैसा कि मैंने बोला 5 sections हैं. प्रायोरिटी पे हमको लीगल एप्टीट्यूड करना है. लीगल एप्टीट्यूड शुड बी आवर प्रायोरिटी सेक्शन बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस लीगल से ही पूछे जाते हैं. पास्ट ईयर पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है. पास्ट ईयर पेपर्स के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है of DU LLB past year papers. Go through that playlist. I have given how to solve these papers. I have discussed these papers with you. And अगर आपको past year papers available नहीं है कहीं भी, तो website पे, although it's not possible, हमारी website पे already available है. Link वेबसाइट का इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. वहाँ से आप देख सकते हैं. पास्ट ईयर पेपर्स होल्ड द की टू एनी पेपर. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, पास्ट ईयर पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है. पास्ट ईयर पेपर्स से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. मेरा एक और वीडियो है एनालिसिस पे of the past year papers. You can check that as well. I will have given you the analysis of the past year papers कि क्या क्या important topics हैं, क्या क्या करने ज़रूरी हैं. उसी के point of view से I am telling you that legal aptitude is the most important. 60 to 65 questions इस area से आ जाते हैं. There are about 60 to 65 questions that come from this area. So it is very very important. It is imperative that you do legal aptitude. अगर आप preparation अभी start कर रहे हैं, I know legal aptitude is new to to everyone. So it's not just you, it's new to everyone. तो जरूर लीगल एप्टीट्यूड से प्रिपरेशन स्टार्ट करें. कवर लीगल एप्टीट्यूड नाइसली, कॉन्सेप्ट्स को समझें अच्छे से. अब आप कवर कैसे कर सकते हैं लीगल एप्टीट्यूड? जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो सिलेबस में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, यू गो थ्रू दोज टॉपिक्स. देयर आर बुक्स में हमारे पास सेल्फ गाइड अवेलेबल है लीगल एप्टीट्यूड के लिए, और कोई बुक अवेलेबल नहीं है एज सच. ओनली आइदर यू विल हैव योर फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी बुक्स, जो आप इस स्टेज पे ऑब्वियसली नहीं कंसल्ट कर सकते. दे आर टू डिटेल्ड एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेसिक्स आपको अच्छे से पहले करने हैं अपने क्लियर. ऑल्दो आई नो कि इस पेपर में सिर्फ बेसिक्स ही नहीं, थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ी हाई लेवल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो अच्छे से तैयारी करनी है. द टॉपिक्स दैट आई हैव गिवन इन द सिलेबस, डू दोज टॉपिक्स, गो ऑन टू द इंटरनेट, मेक योर ओन नोट्स, आर्टिकल्स पढ़िए उन टॉपिक्स पे, नोट डाउन कीजिए हर टॉपिक का एनालिसिस. हर टॉपिक की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वो फ्लो आप मेंटेन कीजिए. हेल्प ले सकते हैं कैसे? सेल्फ गाइड बुक में ऑल्दो यू वोंट हैव कंप्लीट थिंग्स, लीगल एप्टीट्यूड कम्प्लीटली कवर्ड नहीं है, बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं. जस्ट डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन द सेल्फ गाइड बुक्स. आई हैव टाइम एंड अगेन सेड दिस दैट यू शुड नॉट रिलाई ऑन दोज बुक्स, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सो एज आई सेड, आर्टिकल्स पढ़िए. देर आर गाइडेंस वीडियोज़ यूट्यूब पे, आपको हमारी रिविजन सीरीज मिल जाएगी. देर यू आई हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं. ऑफ ऑल द 6 लॉज, वो रिविजन सीरीज ज़रूर देखिए. डो गो थ्रू द रिविजन सीरीज. आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ प्ले लिस्ट ऑफ, इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था. इन दैट वीडियो आई हैड दैट वीडियो इज कॉल्ड मस्ट वॉच फॉर DU LLB. सो आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल दैट यू नीड टू वॉच फॉर दिस एग्जामिनेशन. दे विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत गाइडेंस आपको वहाँ से मिल जाएगा. एंड डू गो थ्रू दोज वीडियोज. अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, देन यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स. आई विल अटैच द लिंक. हाउएवर, इट इज़ क्लियरली गिवन therein. I have also posted the same in my WhatsApp and Telegram groups. I hope you have that PDF along with you. Now, अगर आपको नोट्स बनाने में इशू है, इफ़ यू फील कि आर्टिकल्स पढ़ के हमको नहीं समझ आ रहा है, लॉ इज़ वेरी न्यू, हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक आर्टिकल में से क्या चीज़ें निकालनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर मॉड्यूल्स. हमारे ऑनलाइन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. सो बेसिकली इट्स लाइक एन ऑनलाइन कोचिंग, राइट? ऑफलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए. ये एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है कि इफ़ you have the right kind of sources with you, you have the right understanding of the paper with you, then you can sail through. You don't need any offline coaching. उससे बेटर है कि साथ में आप कुछ और कोर्स कर लीजिए, अगर आपके पास इतना टाइम है ऑफलाइन कोचिंग में जाने का. देन साथ में डू समथिंग एल्स, डू सम डिप्लोमा कोर्स टू इन्हांस योर CV. अपना टाइम को सेव कीजिए. नाउ when we speak of the module, there are different kind of modules available. वो आप वेबसाइट पर जाके www.lawdigest.in पे जाकर देख सकते हैं. अगर आपको फीडबैक चाहिए कि हाउ कैन दिस मॉड्यूल हेल्प, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन. यू कैन चेक द रिव्यूज ऑन आवर वेबसाइट. Also, you can check our Instagram account, wherein we have put in highlights as to what has been the review of this feedback of the students from the past. Success stories की playlist available है इस channel पे, जहाँ पर हमारे कुछ पुराने students हैं जो rank holders रहे हैं in this examination. You can go through those videos also to understand the strategy. सक्सेस स्टोरीज आपको बहुत हेल्प करेंगी उन स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी समझने में कि किस तरह से किस स्टूडेंट ने कैसे प्रिपरेशन किया फॉर दिस एग्जामिनेशन. हु नोज व्हाट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू, व्हाट माइट वर्क फॉर यू, ये आपको इंडिविजुअली ही फिगर आउट करना पड़ेगा. सो वो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो. करंट अफेयर्स GK, नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये है. करंट अफेयर्स GK में हम क्या करेंगे? करंट अफेयर्स मंथली हमको करने हैं, तो ट्राई दैट आप करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दें अगर नहीं किया है तो, बिकॉज एंड में देयर विल बी अ लॉट ऑफ लोड दैट विल बी देयर ऑन यू एंड करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स कीजिए, डेली बेसिस पे अपना डिवाइड कर लीजिए कि आज मैं सारे नेशनल टॉपिक्स करूँगी, इंटरनेशनल। सो बेसिकली व्हाट आर द टॉपिक्स? नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग इंडिसेस एंड बुक्स एंड ऑथर्स। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। करंट अफेयर्स बहुत सारे सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के, न्यूज़पेपर ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द सोर्सेज। सो आई होप कि आपका ऑलरेडी फिगर आउट हो चुका है कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रहे हैं। नहीं हुआ है, ऑनलाइन आपको बहुत करंट अफेयर्स का मटेरियल मिल जाएगा। फिर भी अगर इशू है देन ऑब्वियसली यू कैन रिजॉर्ट टू द मॉड्यूल ऑन द वेबसाइट। करंट अफेयर्स में हम ये जो सेक्शंस मैंने बताए ये सभी कवर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 150 MCQs पर मंथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ऐसे ही लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द मॉड्यूल्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज DU LLB के क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आपको बहुत डिफिकल्टी से मिलेंगे, बिकॉज ऑल ओवर यू विल फाइंड मोर ऑफ लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। DU में उतने क्वेश्चंस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं। हाउएवर वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, वो हमको साथ साथ करने ही हैं। देन जीके में अगर बात करें, स्टैटिक जीके सेल्फ गाइड बुक्स आप यू कैन रिलाई ऑन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये मेन एरियाज हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं इन स्टैटिक जीके। सो ये आपको कर रहे हैं कवर। यू कैन रिलाई ऑन द सेल्फ गाइड बुक्स फॉर दैट। टाइम ज़्यादा है, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, ऑल्दो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन लगाएं इस एग्जामिनेशन में, 5-6 क्वेश्चंस कम फ्रॉम स्टैटिक जीके। सो ये एरियाज भी आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। आफ्टर लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर स्टैटिक जीके इज़ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चन हमारे इस ब्रैकेट में से आ जाते हैं। सो ये आप अपने कवर करते रहिए। देन कमिंग ऑन टू इंग्लिश, इंग्लिश में मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ रहा है कुछ पुराने 2-3 सालों से। सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, इट इज़ वेरी ईजी। उसमें आपको बस कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश इज़ बेसिकली समथिंग दैट विल कम विद प्रैक्टिस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए यू नो बहुत कुछ लगे रहें। इंग्लिश में सिलेबस ही ऐसा होता है कि आप जितने भी वर्ड्स पढ़ लीजिए, जितने भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लीजिए, ये नहीं हो सकता कि जो आपने पढ़ा है किया है वो एग्जाम में आ जाए। सो इंग्लिश इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से आता है। सो प्रैक्टिस कीजिए, बुक से प्रैक्टिस करना है तो रेनन मार्टिन ग्रामर के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी आपकी वोकैबुलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी की बात करें तो जो हमारे इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें वी हैव कवर्ड दिस बुक and we have provided you with videos to understand this book, and हमने आपके साथ vocabulary बहुत अच्छे से उन lectures में cover करी है। And then apart from English, second is logical reasoning। Logical reasoning में हमारे टॉपिक्स आपको सिलेबस वाली वीडियो से मिल जाएंगे। सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, ये मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हैं। एंड इनके लिए एक बुक है जो सभी को पता है, RS अग्रवाल की बुक आती है, वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट प्रैक्टिस जस्ट लाइक इंग्लिश। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आपको बहुत गाइडेंस मिल जाएगी कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे सॉल्व किया जाता है। इन केस कोई इशूज़ है फर्दर एंड यू वांट हेल्प फ्रॉम द स्क्रैच, then the module already covers lectures on legal or logical reasoning, you can take help from there। Maths एक area है जो हम past few years में देख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ही आ रहे हैं मैथ्स से। तो मैथ्स आप एंड के लिए छोड़ दीजिए। आई वोंट से कि कम्प्लीटली आप छोड़ दीजिए मैथ्स, बिकॉज यू नेवर नो, पैटर्न इतना भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है इस एग्जामिनेशन का, वो हम डिकोड ही करते आए हैं ओवर द ईयर्स। बट मैथ्स आप थोड़ा एंड के लिए छोड़ सकते हैं। मैथ्स में बस प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, ये कुछ टॉपिक्स हैं। सिलेबस वीडियो में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स। दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो कैन बी कवर्ड फ्रॉम द बुक ऑफ सुल्तान चंद इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कवर दीज थिंग्स फ्रॉम बुक्स। आई हैव टोल्ड यू ऑल द बुक्स अलोंग साइड। लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स के लिए तो ये दो एरियाज हैं जिनके लिए आई हैव ऑलरेडी सेट की बुक्स एज सच नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए ऑब्वियसली एज सच आपको बुक्स नहीं आ सकती, मंथली आपको कुछ मॉड्यूल्स वगैरह कुछ मैगजीन्स वगैरह मिल सकती हैं, बट हाउएवर बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ये दो एरियाज हैं जहाँ पे आपको एफर्ट लगाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, एंड ऑनलाइन आप इंटरनेट से बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं इन दीज एरियाज। Then coming on to, as I already mentioned, playlist, वो जो मैंने बोला कि playlist का एक पूरा PDF बना हुआ है, क्या क्या आपको videos देखनी है, you can go through that playlist, watch the videos. Once you cover a particular topic, you can refer to the revision series for that. Legal current affairs बहुत important है जो हम cover करते आ रहे हैं, providing you monthly with important cases. They are available in the legal current affairs playlist. I'm covering them monthly. We've recently started with revision series of legal current affairs where we are covering questions. इसके अलावा कुछ और important updates भी आती रहती हैं जो legal current को लेके हैं, वो हम Instagram account पे और यहाँ पर भी दोनों जगह डालते रहते हैं। So make sure that you're following us on Instagram as well, because बहुत सारे important legal updates वहाँ पे आते हैं जिनका आपको रियल टाइम में अपडेट मिल सकता है इफ यू आर फॉलोइंग अस देयर। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस की बात करें, सेल्फ गाइड बुक्स में आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, पास्ट ईयर पेपर्स करने ज़रूरी हैं। देन मॉक्स हम लोग अपने हर साल लॉन्च करते हैं, एंड द मॉक्स आर वेरी पॉपुलर एज यू विल सी इन द फीडबैक दैट लास्ट ईयर भी यही रहा कि मॉक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, जो हमने मॉक्स में क्वेश्चंस डाले थे वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। So don't miss out on the mocks. I would say that mocks is something that is very important, and mocks का साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ mock देना बहुत नहीं है, आपको mock दे के उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियाँ देखनी है, जो गलतियाँ हैं उनमें करेक्शंस करने हैं। इस पर भी मेरे वीडियोस हैं कि mocks को किस तरह से एनालाइज करें, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में कैसे बेटर स्कोर लाएं, वो वीडियोस भी आप चेक करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम अपना स्कोर और इम्प्रूव कर सकते हैं। So mocks will be coming very soon. I think I'm trying to get them by the end of this month or March first week. So get hold of the mock test series and start solving questions. Now this is for those जिन्होंने already preparation काफ़ी time से करते आ रहे हैं। जो लोग अब preparation start करेंगे, आप लोग concepts को try कीजिए कि next one month में आप at least 50% of conceptual clarity obtain कर लें, ताकि आप फिर मॉक्स देना भी शुरू कर दें, ताकि साथ साथ आपको पता लगता रहे कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट गिविंग मॉक्स यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आई एम लैगिंग, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ के मॉक्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, देयर विल बी केसेस कि हो सकता है आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही ना हो, उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ना हो, बैकग्राउंड के बारे में पता ना हो, देन यू कैन रेफर बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स एंड स्टडी अगेन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क अलोंग। 4 months का टाइम पीरियड है, एज आई सेड 3+1 इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं अपना टाइम। Then individually it also varies from person to person कि किसको कितना टाइम लगता है कोई कॉन्सेप्ट कवर करने में। सो डोंट गो बाय दिस थिंग दैट अच्छा 4 महीने की प्रेपरेशन है या 5 महीने की लगेगी, 7 महीने की लगेगी। लोग 1-2 महीने में भी प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बट देन यू हैव टू फिगर आउट कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। यू मस्ट बी अवेयर कि अभी आपकी क्या प्रायर कमिटमेंट्स हैं, आप कितने बिजी हैं, कुछ साथ साथ चल रहा है, कितना आप टाइम दे पाएंगे, वो सभी चीज़ें आपको अपने एंड से फिगर आउट करनी है। नोबडी विल डू दैट फॉर यू, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सिचुएशन। सो फिगर ऑल दोज थिंग्स आउट, देन सी कि मेरे पास कितना टाइम है। इवन इफ आई वुड से कि अगर आप LLB करना चाहते हैं एंड यू हैव एन इंटरेस्ट, देन ऑब्वियसली डू गिव दिस एग्जामिनेशन, ताकि यू नो इवन इफ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंड अगेन नेक्स्ट ईयर यू फील लाइक गिविंग द एग्जाम अगेन, तो अगर आप इस बार भी एग्जाम दे देंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसा पेपर आता है, एंड आप उसी तरह से मेंटली नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर हो सकेंगे। सो फॉर ऑल दोज पीपल आई ऑलवेज से दैट इफ यू वांट टू डू लॉ इन द लॉन्ग रन देन एनी विच वे आप हर एक साल में पेपर दे सकते हैं। देन फर्दर कुछ मिथ्स हैं एग्जाम को लेके, आई ऑब्वियसली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, बट कुछ मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं फॉर सीआरपीसी एविडेंस। सीआरपीसी एविडेंस सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लीगल टर्म्स से पूछे जाते हैं। आप वो टर्म्स, मान लीजिए बेल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये हमारे सीआरपीसी में गिवन है, बट देन आपको टर्म्स पढ़ने हैं, आपको सीआरपीसी नहीं पढ़ना है। सो डोंट गो बाय दिस न्यूज़ की सीआरपीसी या एविडेंस करने की ज़रूरत है। देन DU का जो सिलेबस है, अगर आप और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, द सिलेबस इज़ वेरी ओवरलैपिंग। सो लीगल का सिलेबस अगर आप DU के लिए अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी एग्जामिनेशंस आर ऑलरेडी सॉर्टेड। कुछ और एग्जाम्स हैं जैसे MH सेट है, वहाँ पर भी मैथ्स नहीं आता है। DU और MH सेट का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। नाउ पीपल हु आर लुकिंग फॉर बैकअप ऑप्शंस, DU के अलावा MH सेट है, BHU है। रिसेंटली NLS ने भी अपना एग्जामिनेशन लॉन्च करा है फॉर द 3 year LLB प्रोग्राम। वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड लिमिटेड सीट्स हैं, कंपटीशन बहुत है, फीस बहुत हाई है, बट एट द सेम टाइम यू शुड ट्राई योर हैंड एट दिस एग्जामिनेशन एज वेल। पैटर्न बहुत अलग है एग्जामिनेशन का, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऐसे राइटिंग है। आई हैव बीन कवरिंग दैट इन माई सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ NLSAT, यू कैन वॉच दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गाइडेंस ऑन दिस एग्जामिनेशन। एंड NLSAT इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दोनों ही DU LLB NLSAT दोनों एट पार हैं, ये भी मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो बोथ आर गुड कॉलेजेस एंड आप जिस भी कॉलेज से अपना लॉ करेंगे, अगर वो अच्छा लॉ कॉलेज है तो फ्यूचर ब्राइट ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज से बेटर है। ऑब्वियसली जो फ़र्क पड़ता है वो एक्सपोजर का पड़ता है, बट देन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उस एक्सपोजर को यूटिलाइज करते हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल जो एक्सपोजर मिल रहा है वो ले ही ना, यू आर सो बिजी इन योर ओन वर्ल्ड, या फिर अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है किसी कॉलेज में तो आप अपने एंड से कितना ट्राई कर रहे हैं टू गेट दैट एक्सपोजर। इट इज़ ऑल वेरी सब्जेक्टिव। सो नाउ आई वुड से कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं DU LLB एग्जामिनेशन की, अभी टाइम है, यू कैन स्टार्ट। यू नीड नॉट वंडर वेदर इट इज़ टू अर्ली और टू लेट, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर प्रेपरेशन। कोई और आपको कोई डाउट, क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, आई विल गेट बैक टू यू। ऐसी और वीडियोज़, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉ में इंटरेस्टेड हैं एज अ करियर, या फिर आप जनरली अवेयर रहना चाहते हैं एज टू द लीगल हैपनिंग्स in and around India, then you can subscribe to this channel, bell icon दबाएंगे, ऐसी videos की notifications आपको मिलती रहेंगी। एंड जैसा मैंने पहले कहा, Instagram पे हमें वहाँ पे follow करना ना भूलें, because वहाँ पर हम बहुत interesting and important legal content time to time वहाँ पर post करते रहते हैं।